हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। हाँ, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, मतलब कोई चीज़ जो फ्यूचर में हो रही है कंटिन्यूअस वे में हो रही हो, तो इसकी पहचान क्या है? जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के जो टेंस आपके होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आज शाम को हम भोपाल जा रहे होंगे, वह कपड़े धो रही होगी, तुम गाना गा रहे होंगे, इस तरह रहे होंगे, रही होगी, इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं वो आप किस तरह से होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी फ्यूचर में आपकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, शैल और विल। तो मोस्टली स्पीकिंग में विल का यूज, मतलब विल और शैल का यूज कहीं भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम एक ट्रेडिशनल में जाएंगे तो आपका शैल का यूज होगा, और शैल का यूज इसके साथ होता है आपका आई और वी के साथ, और बाकी सभी के साथ आपका यूज होता है विल का। तो अगर आप बिल का शैल का यूज़ ना भी करें तो भी सही रहेगा, लेकिन अगर ट्रेडिशनल के हिसाब से चलेंगे तो आपको शैल का यूज़ करना पड़ेगा, और शैल का यूज़ होता है आपका आई और वी के साथ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आपकी है शैल बी और बिल बी। तो मोस्टली अब हम बिल बी ओनली यूज़ करेंगे, बिल बी। तो आप सबसे पहले पूछते हैं सिंपल सेंटेंस पर, तो सिंपल सेंटेंस का पहले क्या आएगा, फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस बिल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता ही वर्ग की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्यों आए, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दैट्स व्हाई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए आपका वर्ग की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ गया। ऐसा ही पास्ट में हुआ, ऐसा ही आपका प्रेजेंट में हुआ। तो आप देखते हैं क्या है सिंपल सेंटेंस। जैसे वह कपड़े धो रही होगी, तो शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ, शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ। बच्चे रो रहे होंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, Children will be crying. बच्चे सो रहे होंगे, तो the children will be sleeping. हम भोपाल जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, हम भोपाल जा रहे होंगे, तो क्या होगा, we will be going to भोपाल। अब आते हैं, आपको आया समझ में, बिल्कुल सिंपल है। अब इस तरह से हम पहुंचते हैं नेगेटिव पे। तो नेगेटिव में क्या है आपका, नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही है क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगानी होती है। तो सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह कपड़े नहीं धो रही होगी, तो इसका क्या होगा, शी विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ। बच्चे सो नहीं रहे होंगे, तो इसका क्या होगा, द चिल्ड्रेन विल नॉट बी स्लीपिंग। तो सिंपल है, जैसे बच्चे रो नहीं रहे होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन विल नॉट बी क्राइंग। आया समझ में? तो इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब आते हैं इंटरोगेटिव पर। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होता है आपका, पहले क्या जाएगा, बिल, तो बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह कपड़े धो रही होगी, विल शी वॉशिंग द क्लॉथ, विल शी वॉशिंग द क्लॉथ। क्या बच्चे रो रहे होंगे, विल द चिल्ड्रेन बी क्राइंग। क्या बच्चे सो रहे होंगे, तो विल शी द चिल्ड्रेन, विल द चिल्ड्रेन बी स्लीपिंग। तो इस तरह से आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। इसमें बिल्कुल सिंपल है, आपको इस तरह से आप प्रैक्टिस करें इनको, जो जनरली ये फॉर्मूले होते हैं बस यही है आपके, इनको यूज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।